नागरिकता कानून पर विरोध और बवाल के बीच उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा उत्तर प्रदेश में ही हुई। मुख्यमंत्री और डीजीपी लगातार कहते रहे कि सब नियंत्रण में है, लेकिन हकीकत सच्चाई एकदम इससे उलट थी। पुलिस के साथ हिंसा में 17 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। अब मानवाधिकार आयोग ने सरकार से हिसाब मांगा है। बार बार अपील की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हिंसा की ऐसी भयावह तस्वीरें देखी होंगी आप, लखनऊ की, मेरठ की, बिजनौर की, बनारस की, अलीगढ़ की, इलाहाबाद की। इस हिंसा में दोनों तरफ साधारण लोग थे, पुलिस वाले थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। पूरे सूबे में धारा 144 लगी हुई थी। कई जिलों में कई दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद रही और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस हिंसा को रोकने में सरासर नाकाम रही। अब मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह से पूछा है कि ये हुआ कैसे, 4 हफ्ते में जवाब दीजिए। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये ऐसी नोटिस जारी की है, उस पे तो कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। ये उनका काम है ये देखना कि जो घटनाएं हुई हैं उसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं है हुआ है, क्योंकि इस तरह के आरोप बराबर लग रहे हैं यूपी पुलिस पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप सही हैं। अब जरा उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। 17 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, 263 पुलिस वाले घायल हैं, लेकिन मौत किसी की नहीं हुई है। 213 मुकदमे हुए हैं, 925 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 7513 प्रोफाइल ट्विटर की डिलीट की गई है, 9076 प्रोफाइल फेसबुक की डिलीट की गई है और 172 यूट्यूब के लिंक डिलीट कराई गई है। लोकल लेवल पे हर एक पुलिस सुपरिटेंडेंट जो है वो उसको गठित कर रहे हैं, ताकि बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एविडेंस के आधार पर इन घटनाओं की विवेचना हो सके। हमने पहले भी कहा है कि किसी भी निर्दोष को हम नहीं बंद करेंगे, और इस प्रकार की अगर सूचना हमें आती है तो उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी भी दोषी व्यक्ति को भी हम छोड़ेंगे नहीं। यूपी पुलिस मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोपों में घिरी हुई। बिजनौर में एक छात्र की मौत के मामले में परिवार ने सीधे आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसे पहले उठाया और फिर कहीं और ले जाकर मारा। ये मेरा छोटा भाई है सुलेमान, ये यूपीएससी की कोचिंग कर रहा था। मेरा भाई नमाज पढ़ने गया था, इसे गोली मारी है पुलिस ने, जबरदस्ती मारी है। आते हुए मेरे वालिद साहब के ऊपर भी लाठी चार्ज करा अभी नेटवर्क। पुलिस भी ये दावे के साथ नहीं कह रही कि वो छात्र हिंसा में शामिल था ही। वो बस इतना कहती है कि उसे आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और लड़का मर गया। 20 तारीख को जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर जो उग्र प्रदर्शन कस्बा नेटौर में हो रहा था, उसमें एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भीड़ भाग गई थी। पिस्टल को रिकवर करने के लिए जब पुलिस की टीम उनके पीछे भागी है, तो एक कांस्टेबल मोहित जो सबसे आगे था, एक सामने से उपद्रवी ने उसके ऊपर फायर झोंक दिया, जिससे उसकी बाल बाल जान बची। घायल होने के बावजूद उसने आत्मरक्षार्थ जो फायर किया, उस फायर से उपद्रवी को भी गोली लगी। प्रियंका गांधी के बिजनौर दौरे के बाद से यूपी पुलिस पर और भी नजरें उठ गई। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि पुलिस ने जानबूझकर आंदोलन को हिंसक होने दिया और फिर जुल्म ढाया। आपने देखा, इस कानून का देश भर में विरोध है, हर जगह विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं इसका, प्रधानमंत्री और सरकार सुनना भी नहीं चाह रहे। मैम, कांग्रेस का क्या? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो असली मसले हैं उन पर ध्यान दें। गौर कीजिए, इसके 4 दिन बाद ही जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ के पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रहे थे, तो यूपी पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया था। अब मानवाधिकार आयोग ने पूछा है कि जब कानून व्यवस्था दुरुस्त ही थी तो गोलियां चलाने की नौबत कैसे आई। पुलिस का दावा है गोली दोनों तरफ से चली, लेकिन सवाल है कि गोली दोनों तरफ से चली तो ऐसा कैसे हुआ कि प्रदर्शनकारी तो 17 मारे गए लेकिन पुलिस वाला एक भी नहीं। आज तक ब्यूरो।